सो वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 1। और इस लेक्चर में आपको बताया गया था कि हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना बहुत बेहतर होता है, क्योंकि जब आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उस चीज़ को फाइंड आउट करना बहुत आसान काम होता है। हमने एग्जांपल में पढ़ा था कि एक घर है और इस घर के अंदर हमारे पास 3 फ्लोर्स हैं, और अगर आप ये चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर हर चीज़ जो है घर के अंदर वो एक ऑर्गेनाइज वे में पड़ी हुई है। तो हम लोगों ने भी यही करना होता है डाटा स्ट्रक्चर के अंदर कि हमको हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल वे में रखनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे छुरी कांटे किचन के अंदर, जो टूथब्रश होगा वॉशरूम के अंदर। तो इन चीज़ों से पता चलेगा चाबियां जो हैं वो घर की टंगनी के ऊपर होंगी हमेशा। अब इशू क्या आता है, मिसाल के तौर पर अगर हम ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी एक ही जगह पर रखना शुरू कर दें, यानी एक घर में जगह ली और सारी चीज़ें उसमें अंदर रखना शुरू कर दी, तो वक्त के साथ साथ क्या होगा, हमारा डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा होता आ जाएगा, बिखर जाएगा, और ये बहुत बुरा होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा लॉस होने का ख़तरा होता है। अब यही चीज़ हम लोग कंप्यूटर के अंदर अप्लाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे पास मेमोरीज होती है और मेमोरी के अंदर बेशुमार डेटा पड़ा होता है, और ये डेटा बिखरा हुआ होता है, इधर उधर पड़ा होता है, कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं होता जहाँ पर हम डेटा को सेव करें। तो ये सब कुछ है डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है मेमोरी। ये हमारी मेमोरी है, मेमोरी में हम क्या करते हैं, जिस जिस कैटेगरी का डेटा होता है, जैसे वीडियो, ऑडियो, तस्वीरें, हम सारी वो अलग अलग करके रखना शुरू कर देते हैं। उसमें हम लोग चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। ये डेटा आपस में लिंक्ड अप होना ज़रूरी है, इनका एक ऑर्डर होना चाहिए, और जो सेम डेटा है वो उनकी ग्रुपिंग भी होनी चाहिए। ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के। ग्रुपिंग का मतलब सेम तरह का डेटा डेटा स्ट्रक्चर में। अब हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले ये जो हमारा कोड स्लो चल रहा होता है इसको तेज़ करता है, इसको मुश्किल है इम्प्लीमेंट करना, लेकिन क्या है कि ये क्लैरिटी होती है हमारे कोड के अंदर, हमारा कोड जो है साफ हो जाता है, इसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, और कम से कम जो है ना स्पेस वो लेता है डेटा को सेव करने के लिए, क्योंकि बाकी हमारी पूरी की पूरी मेमोरी जो है वो खाली की खाली रह जाती है। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, और आपका लेक्चर नंबर 1 जो है यही वीडियो है। शुक्रिया आप बहुत।